अस्सलाम वालेकुम। तो गैस मेरा नाम है शास्त्र वखान और आप देख रहे हैं शास्त्र वखान यूट्यूब चैनल। सो गैस आज की इस वीडियो में ना ही मैं आपको कोई टिप देने वाला हूँ, ना ही ट्रिक्स, और ना ही मैं आपको यूट्यूब पे कोई अपडेट देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करने वाला हूँ। कल मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कहा था कि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आप सबके क्वेश्चन के आंसर करूँगा, तो वो दिन आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करूँगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा, खास तौर पर अगर आप यूट्यूबर हैं तो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भाई के चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को तो भैया यहीं पे लाइक कर दें। आज की इस वीडियो में लाइक का टारगेट है जी 100 लाइक का। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्यूएनए की वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल मुबशिर रिंगटून, जिस भाई ने कमेंट किया हो कि कॉपीराइट से चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, तो भाई के कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने चैनल पर कॉपीराइट कंटेंट को अपलोड करते हैं, वो ऑडियो या वीडियो है, तो उससे चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने चैनल पर कॉपीराइट वीडियो को या ऑडियो अपलोड करें तो आपका चैनल बिल्कुल ही मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आप में से कोई भी बंदा ये काम कर रहा है, कॉपीराइट कंटेंट को अपलोड कर रहा है, तो अभी के अभी रुक दें, वरना भैया आगे जाकर आपको फिर सैड न्यूज जब मिलेगी ना कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो फिर आपको पता चलेगा आपकी जो मेहनत है वो सारी ज़ाया हो सकती है। तो प्लीज़ अभी रुक जाएं, स्टॉप नाउ एंड अपने कंटेंट बनाएं और अपने चैनल पे अपलोड करें ताकि आगे जाकर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद चेतन वैटी भाई पूछने के, चैनल मोनेटाइज होने के बाद कब फर्स्ट पेमेंट आती है एंड लव यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लव यू टू हो गया। जब आपका यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज हो जाता है और फर्स्ट पेमेंट को लाने के लिए पहले तो आपको अपने यूट्यूब चैनल का जो एडसेंस है उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है। अब उस वेरिफिकेशन में आपको पहले तो अपने एडसेंस के अकाउंट में $10 को कंप्लीट करना होता है। मतलब अगर इस महीने आपका यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज हुआ है तो उस महीने के आपके जितने भी पैसे बनने हैं वो अगले महीने की 7 से लेकर 12 तारीख तक आपके एडसेंस के अकाउंट में अपडेट हो जाता है। सो देन आपको एक्शन का बटन मिल जाता है और उस एक्शन के बटन पर क्लिक करके आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करा लेते हैं। इसके बाद आप एडसेंस की पिन के लिए अप्लाई करते हैं, तो पिन को आते हुए मिनिमम तो 1 महीना लगे जाता है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो कम से कम यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आपको रिसीव करने में 2 महीने लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट मिनिमम 2 महीने तो लगते ही लगते हैं। इसके बाद टेक्निकल लकी 2.0 भाई पूछ रहे हैं कि मैंने 250 वीडियो अपलोड की हैं और अभी तक वॉच टाइम नहीं हुआ। तो भाई अगर आपने इतनी वीडियोज़ को अपलोड की हैं और वॉच टाइम तो कंप्लीट होना चाहिए, सो इसके लिए आप दो ही मिस्टेक करेंगे जो मेन मिस्टेक हैं। एक ये है कि आप अपनी वीडियो में सस्पेंस क्रिएट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप ऑडियंस को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पा रहे, तो उसी वजह से जब लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करते हैं और वो स्किप करके चले जाते हैं। और दूसरा ये है कि आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे होंगे। अब व्यूज़ ना आने की वजह ये है कि आप अपनी वीडियो की SEO सही से नहीं कर रहे होंगे, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, या हो सकता है कि आपकी वीडियो का थंबनेल सही नहीं होगा। तो आपको अपनी इन मिस्टेक को सुधारना पड़ेगा, सो देन आपके यूट्यूब चैनल का जो वॉच टाइम है वो 101% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अमन टैग भाई पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, साथ भी आपका चैनल कब मोनेटाइज हुआ और अर्निंग कितना हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वालेकुम सलाम, मेरा जो चैनल है वो 2020 के चौथे महीने हुआ था। मुझे याद है कि जुम्मे का दिन था, रात के 2:30 बज रहे थे, मेरी ऐसे आंख खुली और मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन किया, मैंने देखा कि यूट्यूब की तरफ से मेल आया हुआ था कि शास्त्र वखान कांग्रेचुलेशन, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो उस वक्त मुझे ऐसे फील हुआ था कि मैंने दुनिया जहान की सारी खुशियां जो है ना पाड़ ली हैं। और इसके अलावा आप अर्निंग की बात करें, अगर मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं तो मुझे $200-250 मिल जाते हैं, अगर मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता तो मेरे $100-120 ही बनते हैं मंथली। इसके बाद बाली जुबैर 69 भाई कह रहे हैं कि भाई आप सपोर्ट क्यों भाई नहीं करते, अगर किसी के पास मनी नहीं हो तो वो को सुपर चैट कैसे देंगे, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो भाई मेरी बात सुनो भाई, बात करेंगे जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ ना, तो लाइव स्ट्रीम में भाई कह रहे हैं कि आप सपोर्ट क्यों नहीं करते, अगर मेरे पास सुपर चैट नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ। तो भाई मेरी बात सुन लो, अगर कोई भी सुपर चैट करता है तो हम उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, हम सपोर्ट तो सभी को करते हैं। अगर आप में से कोई भी सुपर चैट करता है तो उसके यूट्यूब चैनल को हम तुरंत ही उसी वक्त प्रमोट कर लेते हैं, उसके चैनल को जो है कम्युनिटी टैब में या जो स्टोरी टैब में डाल देते हैं। ये है कि उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं जो भी सुपर चैट करता है, और बाकी सपोर्ट तो हम भाई सभी को करते हैं। इसके बाद द बेस्ट टेक भाई करेंगे, भाई आपने अभी तक लाइव स्ट्रीम करके सुपर चैट से कितने पैसे कमाए, या फिर जितने सुपर चैट आपके चेतन भाई ने किए आपने काउंट किया, उन्होंने आपको टोटल कितने रुपये दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, सुपर चैट को मैं काउंट तो नहीं करता, और आज तक मैंने जितने भी लाइव स्ट्रीम की हैं उसमें मैंने $600 से $700 मैंने अर्न किए हैं, और चेतन भाई ने हमें 2500 की सुपर चैट दी थी, और जिसमें अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो $33 बनते हैं कट चैट करके, क्योंकि यूट्यूब उसमें 30% रखता है, तो हमें $20 या $22 मिले हैं। इसके बाद ईशान अली सियाल भाई पूछ रहे हैं कि सर हैंड राइटिंग की वीडियो से चैनल मोनेटाइज होगा। मैं समझ चुका हूँ, भाई कह रहे हैं कि अगर मैं हैंड राइटिंग की वीडियो को बनाकर अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। इसका जवाब है आपका चैनल बिल्कुल मोनेटाइज होगा, बट आपको एक बात का ध्यान करना है, आपको जो बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करना है, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं या आपने यूज़ किया है, तो वो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए, कॉपीराइट वाला नहीं होना चाहिए, और वीडियो भी आपकी अपनी होनी चाहिए, तो आपका चैनल 101% मोनेटाइज हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी।
इसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट विद सदफ पूछ रहे हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, अगर है तो एक पेमेंट आ गई और कितनी आई है, एंड अगर और पेमेंट आ चुकी है तो कितनी आई है। सदब मेरी बात सुन लो, चैनल तो मेरा मोनेटाइज है और उसके अलावा मेरी पेमेंट तो कब की आ चुकी है, उसका मैंने एक व्लॉग बनाया था, वो व्लॉग मेरे इसी चैनल पर अपलोड है और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस व्लॉग को देख लो। मैंने बहुत ही मेहनत करके वो व्लॉग बनाया था और आपको काफ़ी मज़ा आ गया वो व्लॉग देखने में, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा मेरी और भी पेमेंट्स आ चुकी हैं जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शास्टर भाई पूछ रहे हैं कि फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी और घर वालों का क्या कहना था। तो फर्स्ट पेमेंट के बारे में आपको बता चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक करें भाई, एकदम से कमाल धमाल के मैंने वीडियो बनाई थी। और घर वालों का कहना ये था कि जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है, वो बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे कि साथ की पेमेंट आई है या नहीं आई। तो मैंने कहा चलिए अगर आप नहीं मानते तो मैं बैंक में जाता हूँ, पेमेंट को निकलवा कर मैं फिर आपको बताता हूँ कि मेरी पेमेंट आ चुकी है। तो मैं बैंक में गया, पेमेंट को निकलवा कर आया, तो जब मैंने उन्हें दिखाया कि ये देखो ये मेरी पेमेंट आ चुकी है, तो वो सभी लोग हैरान हो गए, हैं ये क्या। पहले तो वो मुझे कहते थे कि YouTube से बिल्कुल पैसा नहीं कमाया जाता, साथ जो भी काम कर रहा है वो सही नहीं कर रहा, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो पेमेंट को देखने के बाद वो थोड़ा सा ऐसे हैरान हो गए, वो पेमेंट आ चुकी है। Eagle247 तुमने YouTube से कितना पैसा कमाया? Eagle247 मैं आपको बता दूं, आज तक मैंने YouTube से एस्टिमेटेड मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 1600 से $1700 तक मैंने अर्न किया सिर्फ YouTube से, बाकी स्पॉन्सरशिप ये वो उसे आप साइड पर रख दें। और जो दूसरा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि आपका जब एक सब हुआ था तो आपको क्या लगा कि आपका चैनल डाउन जाएगा या अच्छा जाएगा, तो भाई मेरी बात सुन लो, जो भी कोई न्यू यूट्यूब का चैनल बनाता है और उसका एक भी सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होता है तो उससे साफ ज़रा उसे खुशी होती होती है, उसके माइंड में ये होता है कि भैया बिल्कुल मेरा चैनल तो ऊपर जाएगा जाएगा। अगर एक होगी है तो एक की जगह 10 भी हो जाएंगे, 100 भी हो जाएंगे, 1000 भी हो जाएंगे, 1 लाख भी हो जाएंगे, 10,000 भी हो जाएंगे, तो भैया माइंड में तो यही आता है कि मेरा चैनल ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसके बाद फैक्ट विद रजीव 2.0 भाई कह रहे हैं कि मेरे चैनल पर 1000 और 2000 व्यूज़ आने के बाद क्यों रुक जाता है, ब्रो प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। रजीव भाई मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड करते हैं तो YouTube उसका इंप्रेशन अगले लोगों तक तो पहुंचाता है। अब मेरी बात सुन लो, अगर 5 लोगों तक YouTube ने पहुंचाया या 100 लोगों तक पहुंचाया या 1000 लोगों तक आपकी वीडियो गई है और 1000 के 1000 लोगों ने आपकी उस वीडियो पर क्लिक किया, वॉच किया, अच्छा खासा लाइक किया, कमेंट किया, अच्छी रेटिंग दी है, तो YouTube क्या करते हैं 2000 और लोगों तक आपकी वीडियो को पहुंचा देता है। इसी तरह से YouTube का जो एल्गोरिथम है वो काम करता है और आपकी वीडियो वायरल होती है। और जब ऐसा टाइम आ जाता है लोग आपकी वीडियो को देखते ही नहीं है या देखते हैं तो थोड़ा बहुत देखते हैं, तो आपकी वीडियो पर जो व्यूज़ हैं वो वहीं के वहीं स्टक हो जाते हैं, तो इसी वजह से आपकी वीडियो पर व्यूज़ रुक रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपको वीडियो को अपलोड करते रहना है, ये सब इंटरेस्ट बेस पे काम करता है कि ऑडियंस आपकी वीडियो को कैसे वॉच कर रही है। सुदन टेक्नो आदित्य आप कहाँ से हो, अब तक कितनी अर्निंग की है? टेक्नो आदित्य मैं पाकिस्तान से हूँ और आप कहाँ से, अर्निंग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। खान वैटी यूट्यूब चैनल से पहले आप क्या करते थे, प्लीज़ पिक मई। खान वैटी यूट्यूब चैनल को बनाने से पहले मैं स्टडी करता था, मैं सिविल इंजीनियर का मैं डिप्लोमा कर रहा था और उसी दौरान ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर दिया। ओके, इसके बाद मैंने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग ये वो दाखिला किया, तो अभी भी वही सीन चल रहा है, यूट्यूब चैनल को भी कर रहे हैं और साथ साथ जो स्टडी भी कर रहे हैं। ऑल वायरल शॉट तो मेरे वीडियो का स्कैब क्यों नहीं करवाता, ये है मेरा क्यों अन्य तो यार वीडियो का जो स्कैब नहीं करवाना होता है, चैनल को करवाना होता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाएँ, चैनल को मैं आपके जो स्कैब कर लूँगा बस, और हुक्म और की बात है तो आप भाई बता दो। कमाल गेमिंग 37 Pro GF है, तो भाई क्वेश्चन तो आपने अच्छा किया है। GF आपको क्या लगता है कि मेरी GF होगी या नहीं होगी, मैं आपको अभी 5 सेकंड देता हूँ, आप अपने माइंड में सोचिए यस और नो होगी या नहीं होगी, देखते हैं कि आपका तुक्का सही लगता है या नहीं लगता। चलिए 1, 2, 3, 4 या जी 5, मेरी GF कोई भी नहीं है, ना ही मैंने आज तक कोई GF बनाई है। अभी मैं फोकस करूँ अपने फ्यूचर पर, अपने ब्राइट फीचर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो उसके बाद GF तो खुद ब खुद ही आ जाएंगे। और अभी आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा हुआ था। GP Demons FF इस महीने टोटली 6 क्वेश्चन पूछे हूँ मैं, लेकिन इन 6 में से मैंने कुछ पहले बता दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट आर यू फ्रॉम, ब्रो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड स्टेट है जी पंजाब, इसके अलावा जो सिटी है वो है जी मुजफ्फरगढ़। इसके बाद भाई कह रहे हैं कि आर यू मैरिड एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन, नो ब्रो आई एम नॉट मैरिड एंड आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, जब शादीशुदा नहीं है तो फिर बच्चे कहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद भाई कह रहे हैं कि हाउ डू यू डू, ब्रो जस्ट मैं एक यूट्यूब करता हूँ, इसके अलावा मैं फेसबुक पर काम करता हूँ। और दूसरे के हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर हाउस,
मेरे घर में वी आर टोटली 6 मेंबर ऑफ फैमिली, मैं जो मैं सेकंड लास्ट हूँ। सो गैस आज की वीडियो बस यही क्यू एन ए पर थी। आई थिंक मैंने आप सभी के क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। अगर कोई बंदे बच भी गए हैं तो उनके क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही थे जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आई थिंक आपके नॉलेज में काफ़ी सारा इजाफा हुआ होगा। अगर आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत अभी इजाफा हुआ, कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल करें, हमें भी दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।